गंगा कटोरा कहे जाने वाला छत्तीसगढ़ भारत का एक अभिन्न अंग है। छत्तीसगढ़ जहाँ प्राकृतिक संपदा से भरपूर है, वह छत्तीसगढ़ अपने अंदर अनेकों रहस्य दबा रखा है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में अनेक ऐसे स्थान हैं जो अपने आप में ही अद्भुत और अनोखे हैं। दोस्तों, आज हम आपको छत्तीसगढ़ के कुछ ऐसे स्थान के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आप अपने आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। पहले नंबर पर है उल्टा पानी। जी हाँ दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पहाड़ से पानी उल्टा बहता है। ये जगह छत्तीसगढ़ के मैनपाट में है, जिसे बिसर पानी या उल्टा पानी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पहाड़ ग्रेविटी के नियमों को गलत साबित कर देती है। अगर आप यहाँ पानी जमीन पर डालते हो तो पानी नीचे नहीं बहती बल्कि वो ऊपर की ओर जाने लगती है। इस रहस्य को किसी वैज्ञानिक ने नहीं खोजा है बल्कि यहाँ के ग्रामवासियों ने इसे खोज निकाला। कुछ वैज्ञानिक यहाँ पानी उल्टा बहने का कारण ये बताते हैं कि यहाँ वाटर लेवल अधिक होने के वजह से ऐसा होता है, लेकिन इस बात की सच्चाई अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है। दूसरे नंबर पर है बॉन्सिंग मठ। मैनपाट में एक ऐसा और जगह है जहां अद्भुत नजारे देखने को मिलता है। जहां एक ऐसा खेत है जो बॉन्स करती है। वैसे दोस्तों, ये जमीन स्पंज की तरह काम करती है। इस पर जितना भी खुद लिया जाए यह जमीन धंसती नहीं है। वैसे ये जमीन नहीं बल्कि कीचड़ यानी मॉड है। ये अपने आप में ही अद्भुत है। इसमें जंप करने पर ये कीचड़ अंदर नहीं धंसती। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में आज तक कोई नहीं जानता। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। तीसरे नंबर पर है कुटुम्बसर की गुफा। दोस्तों, आपने कई गुफाओं के बारे में सुना होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ की इस गुफा की विशेषता कुछ अलग है। इस गुफा में पाई जाने वाली मछली अंधी होती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। इस गुफा में पाई जाने वाली मछली अंधी होती है, जिसकी आँख नहीं होती। वैज्ञानिकों की माने तो उनका कहना है कि यहाँ बहुत ही ज्यादा मात्रा में अंधेरे होने की वजह से वह अंधी होती है। चौथे नंबर पर है टिंटिन पत्थर। अंबिकापुर की दरिमा में एक ऐसा पत्थर है जिसे किसी अन्य पत्थर से ठोकने से वाद्य यंत्र की तरह आवाज आती है। इस पत्थर से 6 प्रकार की अलग अलग साउंड आती है। वैसे ये वास्तव में पत्थर नहीं, एक उल्का पिंड का हिस्सा है। जब ये पिंड स्पेस से धरती पर गिर रहा था तो इसमें आग लगी हुई थी, जिसके कारण इस पत्थर के हल्के गैस के कण बाहर निकल गए और ये पत्थर इस प्रकार का आवाज करने लगी। पांचवें नंबर पर है छत्तीसगढ़ का नागलोक। जसपुर के तपकरा गांव को नागलोक के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हर कुछ दूरी पर सांप दिखाई देती है। सांप भी कुछ ऐसे वैसे नहीं, यहाँ लगभग हर प्रकार की सांप दिखाई देती है, जैसे कोबरा, करैल आदि छोटे बड़े सभी प्रकार के सांप पाए जाते हैं। दोस्तों, आपने लास्ट टाइम सांप कब और कहां देखा है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, जिससे हम आपके लिए ऐसी रहस्यमय वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।